Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class. और इस क्लास में हम लोग करेंगे टोटल 10 idioms और इन idioms को हम लोग बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि इनको बहुत अच्छे से समझे, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया. जैसे ही आप लोग के सामने idiom आता है ना, तो उस idiom में से अपने common sense और थोड़ी सी अपनी basic knowledge और थोड़ी सी basic vocab को अगर आप use करेंगे तो आप अपने इन idioms के मीनिंग को इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को रखनी पड़ेगी. सो दिस इज आवर 16th पार्ट ऑफ idioms, बिकॉज idioms बहुत सारे हैं और हमें idioms जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे करने हैं, सो दैट हमारा एक भी नंबर ना कटे एग्जाम के अंदर. And this class is presented by me, your teacher Pooja Duran, and this is all about me. फाइन, सो फटाफट से आज के हम अपने idioms कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर 15th पार्ट के अंदर जो idioms किए थे उनको भी फटाफट से रिवाइज करेंगे और देखेंगे आप में से किस किस को याद है. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद द फर्स्ट idiom. सो द फर्स्ट idiom इज फेदर इन द कैप. द idiom इज फेदर इन द कैप. कैप का सबको पता है क्या होता है भाई, कैप का मतलब होता है टोपी. ठीक है, और फेदर का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर पंख कह लो आप इसको. ठीक है, तो फेदर इन द कैप का पहले तो आप मतलब समझ लो इसका क्या है और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इसको कैसे याद रखो. फेदर इन द कैप का मतलब होता है एडिशनल सक्सेस, मतलब ऑलरेडी आप सक्सेसफुल थे लाइफ में. कई बार ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हो भाई, ऑल ओवर द इंडिया आपका नाम है भाई, इस सब्जेक्ट का अगर कोई सबसे अच्छा पढ़ाता है तो ये टीचर पढ़ाता है, लेकिन आपको हमेशा से ना मतलब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, आपको सुर ताल की बहुत अच्छी समझ थी और कब कहीं ना कि आपके मन में ये था कि मुझे कभी ना कभी सिंगिंग भी ट्राई करना है, मुझे खुद का गाना लॉन्च करना है. तो आपने क्या किया, आपने मतलब ऐसे ही अपना यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दिया सिंगिंग का, तो लोगों ने आपकी सिंगिंग को भी बहुत पसंद किया. ठीक है, और आप एक बहुत बड़े सिंगर भी बन गए टीचर के साथ. तो मतलब वो जो सिंगिंग के बाद आप जो सक्सेसफुल है, मतलब वो क्या थी, वो एडिशनल सक्सेस थी. मतलब ऑलरेडी आप एक टीचिंग लाइन में सक्सेसफुल थे और उसके बाद अब आप एक और लाइन में सक्सेसफुल बन चुके हैं, तो वो जो सिंगिंग वाला जो फेज है भाई वो आपकी एडिशनल सक्सेस है. तो ये जो सिंगिंग था ना, ये जो सिंगिंग था ये वो फेदर है, ये वो पंख है जो कि आपकी कैप में जो वो टीचिंग लाइन का जो पंख लगा था ना उसके साथ एक और पंख लग गया. मतलब भाई अब आपकी कैप में ऐसे फेदर जुड़ते जाएंगे और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते जाएंगे. ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब. अब आप लोगों ने कभी देखा है कि कुछ सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ एक तरीके से शोज वगैरह होते हैं जहाँ पर वो क्या करते हैं, कैप वगैरह देते हैं और धीरे धीरे वहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे वो बंदा हर एक स्टेजेस को पार करता जाता है तो उसको एक पंख मिलता है और वो अपनी कैप में लगाता जाता है. तो इससे ये बनता है कि भाई अच्छा ये जो कंटेस्टेंट है यहाँ पर ये आगे जा चुका है. फेदर इन द कैप, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड idiom की तरफ. दैट इज फेदर वंस नेस्ट. ठीक है, फेदर्स वंस नेस्ट. अब इसका मतलब क्या होगा फटाफट से बताओ. देखो, अरे मीनिंग तो आप लोगों के सामने है, आप लोगों को खुद से भी इसका एक अलग से कॉन्टेक्स्ट निकालना है कि आप इस idiom को याद कैसे रखोगे. तो देखो, फेदर वंस नेस्ट का मतलब, नेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, घोंसला. ठीक है, नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला. और फेदर का मतलब फिर से वही भाई, ऑलरेडी घोंसले को ना यहाँ पर आप लोग एक जो भाई इंसान का जो घोंसला होता है वो होता है होम, मतलब उसका हाउस उसका घर, और एक जानवर का जो होता है एक चिड़िया का जो होता है वो होता है नेस्ट. तो ऑलरेडी भाई आपकी नेस्ट जो है आपका घर जो है वो बहुत सारे फेदर उसमें लगे हुए थे, लेकिन अब वहाँ पर और भी फेदर आप लगाने जा रहे हो और ये जो और फेदर आप लगाने जा रहे हो ये आपकी जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट में जो इनकम है या जो प्रेजेंट में जो जॉब है उससे नहीं, उससे अलग कुछ कमा कर आप अपने घर को अपने नेस्ट को अपने घोंसले को और सुंदर बनाने जा रहे हो पंख लगाकर फेदर लगाकर. तो इसका मतलब होता है गाइज
टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन, मतलब अपने पद का लाभ उठाकर भविष्य के लिए जुगाड़ करना या फिर कमाई करना। जैसे हम लोग एक बात नहीं बोलते ऊपर की कमाई करना, मतलब 35-40 हज़ार ऑलरेडी उसकी इनकम आ रही है जो कि गवर्नमेंट दे रहे हैं, बट उससे ऊपर वो 15-20 हज़ार रुपये और कमा रहा है उस पोजीशन का फायदा उठा के, ठीक है, जिसको हम अदर कॉन्टेक्स्ट में करप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से रिश्वत खाना भी कह सकते हैं। तो वो जो चीज़ है ये वही ईडियम है, ठीक है। फेदर वंस नेस्ट मतलब अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना। एनरिच का मतलब होता है किसी चीज में रिच बनना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ईडियम। थर्ड ईडियम इज फाइट शाय ऑफ। फाइट शाय ऑफ, शाय का मतलब होता है शर्माना। हमें नहीं बोलते कोई कोई पर्सन भाई ये बहुत शाय है ऐसे बोलते, तो शाय का मतलब होता है शर्माना, और फाइट का मतलब होता है लड़ना। देखो अब इसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग मैं बताऊं तो हिंदी में इसका मतलब होता है टालना, और यू कैन से अवॉइड करना, इग्नोर करना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड मतलब आप किसी चीज को, किसी फंक्शन को अवॉइड कर रहे हो, आप किसी पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, मतलब टालना, किसी भी चीज को टालना, वेदर एक थिंग को, किसी चीज को, या किसी फंक्शन को, या किसी पर्सन को। तो देखो भाई आपके एक दोस्त ने आपको फोन किया कि चलो हमारे दोस्त की शादी है भाई हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो उसने आपको बहुत कहा, आपने मना किया कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे शर्म आती है भाई पब्लिक प्लेसेस पर, मुझे मतलब कुछ लोगों को फोबिया होता है ज्यादा लोगों के बीच में जाने से। तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। तो आपने क्या किया, आपने लड़कर फाइनली, आप शर्मा रहे थे जाने से, आपने फाइनली लड़ के आपने उस शादी में जाना क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब आपने टाल दिया। तो फाइट शाय ऑफ का याद रखो कि जब आपको बिल्कुल अपने शर्माने वाली आदत की वजह से लड़कर किसी काम को टालना पड़े तो उसका मतलब होता है फाइट शाय ऑफ, मतलब टालना, ठीक है, टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। फोर्थ ईडियम इज फूल्स पैराडाइज, ठीक है। देखो फूल्स का मतलब होता है मूर्ख और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, जिसको हम लोग हेवन भी बोलते हैं। अब एक जो मूर्ख इंसान है, एक जो मूर्ख इंसान है उसके लिए हेवन क्या होगा, उसके लिए स्वर्ग क्या होगा, मतलब वो मूर्ख है, ना कोई मेहनत करता है, ना बातों को समझता है, ना मैच्योरिटी है, ना ही डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो क्या करेगा। अ स्टेट ऑफ बींग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन, मतलब बिना मतलब के, बिना किसी मतलब के क्या होना, बिना किसी मतलब के वहां पर खुश रहना, तो ये होता है फूल्स पैराडाइज, ठीक है। फूल्स पैराडाइज मतलब झूठी उम्मीद में खुश रहना, मतलब आप दिन में सोचते रहते हो पेपर के लिए तैयारी आपने कुछ नहीं की, लेकिन दिमाग में चलता रहता है मैं इस पेपर में पास हो जाऊंगा, ये है वो है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब कुछ हो रही है, मतलब आप एक मूर्खता के स्वर्ग में जी रहे थे, जो कि एक ऐसा स्वर्ग जो एक्चुअली में है ही नहीं। तो इसको एक बार हिंदी में बता देती हूँ, झूठी उम्मीद में खुश रहना। फिफ्थ ईडियम इज फ्रिंज बेनिफिट्स। ये तो गाइज आप लोग को वैसे भी पता होगा, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखो आपको अपनी सैलरी के अलावा एन एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिलता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऑफिस वगैरह में लंच फ्री मिलता है किनको, जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं, सैलरी तो उनकी है ही वो 30 या 35,000 जितनी भी है, इसके अलावा उनको लंच फ्री मिल जाता है। कई बार ईयरली उनको अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए अच्छा फंड मिल जाता है, उनकी बच्चों के लिए कई बार स्कूल की जो फी होती है भाई 50% ऑफ द जो स्कूल फी होगी उनके चिल्ड्रन की, उसको जो कंपनी है वो बियर करेगी, मतलब सहन करेगी या मतलब पे करेगी। तो ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स है, सैलरी के अलावा जो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं दो ज़्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, देखो इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग ओनली बेयर असेंशियल। बेयर का मतलब होता है मतलब बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल जरूरी जो
चीजें होती है इंसान के जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, भाई आपके पास बस उतना ही है, बस गुजारा भर ही है आपका, गुजारा हो जाएगा, आप 3 टाइम भाई दाल रोटी खा लोगे, बस उतना ही आपके पास है। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है गुजारा भर, फ्रॉम हैंड टू माउथ। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपका हाथ जो है वो आपके मुंह तक जा रहा है, मतलब आपका हाथ तरह तरह की शॉपिंग करने नहीं जा रहा महंगे महंगे ब्रांड्स की, ठीक है, इसका मतलब होता है गुजारा भर, मतलब ये बस आप खाना खा रहे हो, आप 2 टाइम का खाना खा रहे हो, ठीक है, आप अपने हाथ से बस खाना खा रहे हो, आप उन हाथों से कोई महंगी महंगी शॉपिंग नहीं कर रहे हो, उन हाथों में आप कोई महंगी महंगी घड़ी नहीं डाल रहे, बस आप उनसे क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो इसका मतलब होता है गुजारा भर, ठीक है, मतलब आप सिर्फ इतना कमा रहे हो कि आप अपना एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, नॉर्मल से भी कहीं ना कहीं कम ही। नेक्स्ट है यहाँ पर गाला डे, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर गाला डे, सो इसका मतलब होता है एक आनंद का दिन, एक सेलिब्रेशन का डे। अब सेलिब्रेशन का डे क्या हो सकता है भाई, किसी के बर्थडे हो सकता है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, किसी के पेरेंट्स का बर्थडे हो सकता है, या आप 4-5 साल से एक जॉब की तैयारी कर रहे थे, अब फाइनली आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, तो वो आपके लिए एक गाला डे हो सकता है। तो गाला डे को याद रखो गाने से, गाला डे को याद रखो गाने से, मतलब जिस दिन आप गाना गाते हो भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जिस दिन सारी दुनिया आपके लिए गाना गा रही है, आपके स्वागत में, आपके सक्सेस में, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए गाला डे होगा, मतलब वो आपके लिए आनंद का दिन होगा, ठीक है, सेलिब्रेशन डे होगा। देखो अब ये जो इडियम आपके सामने जैसे ही आया, मैंने पहले भी बताया है, प्लीज इन चीजों को दिमाग में फिक्स कर लो, जैसे ही आपके कोई सामने वर्ड आता है, उस वर्ड से रिलेटेड आपको कोई सिनोनिम पता है, कोई एंटोनिम पता है, तो उसको माइंड में एक बार रुक के ठहर के उसको दोबारा से याद कर लो अच्छे से। जब माइंड में कोई वर्ड स्ट्राइक होता है तो उसको याद कर लो, उसको छोड़ो मत। ऐसे ही आपके सामने अभी ये गेट इन टू अ सूप आया, सूप का मतलब हम सबको पता है, सूप जो होता है भाई वो हॉट होता है, गर्म होता है, ठीक है, सर्दियों में पीते हैं हम लोग, तो गेट इन टू सूप का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना है, झंझट में पड़ना। ये जब भी गेट इन टू वाले इडियम्स आए ना, गेट इन टू वाले इडियम्स आए, तो कहीं ना कहीं इनका मतलब वही है, मुसीबत में पड़ना, झंझट में पड़ना। और सूप जो होता है, आप लोगों ने वो नहीं, अब गेट इन टू अ हॉट वाटर, सॉरी, गेट इन टू हॉट वाटर, तो उसका मतलब यही था भाई, मुसीबत में पड़ना, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत में पड़ना। तो गेट इन टू अ सूप को याद रखो, गेट इन टू हॉट वाटर, ये एग्जामिनर आप लोगों से इस तरीके से भी पूछ सकता है भाई, गेट इन टू अ सूप का नियर रिलेटेड यहाँ पर इडियम कौन सा है, तो वहां पर डेफिनेटली गेट गेट इन टू हॉट वाटर हो सकता है, ठीक है, तो सूप भी गर्म होता है भी, अगर कोई मतलब गर्म सूप में गिर जाएगा तो उसके उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना उसकी बॉडी में, तो मतलब वो मुसीबत में पड़ गया। लेकिन गाइस सूप में पड़ने का मतलब या पानी में पड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकल ही नुकसान की बात हो रही है वहां पर, किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ना, ठीक है, नाइन्थ इडियम इज गेट ऑन वंस नर्वस। गेट ऑन वंस नर्वस का मतलब होता है परेशान करना, किसी को इरिटेट करना। देखो कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन चक 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 बोले जा रहा है और आपको बिल्कुल भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो आपकी सिर की नसें ऐसे फटने को हो जाते हैं कि बस ये बंदा चुप हो जाए, है ना, तो गेट ऑन वंस नर्वस का मतलब होता है भाई जब आपकी नर्व्स, आपकी जो नसें हैं वो किसी की वजह से फटनी शुरू हो जाए, इसका मतलब वो बंदा आपको परेशान कर रहा है इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी मैनर में, तो इसका मतलब होता है परेशान करना या इरिटेट करना, अनोय करना। नेक्स्ट इज गिबल गैबल, गिबल गैबल, इसका मतलब होता है फुलिश टॉक, मतलब मूर्खता पूर्वक वार्तालाप, मतलब एक तो आप एक बहुत ही वाइज पर्सन के साथ बैठे हो तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, लाइफ के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा, करियर के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा, एक मैच्योर पर्सन के साथ बैठोगे, और एक आप एक ऐसे पर्सन के साथ बैठे हो जिससे आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, उल्टा आपको जो आता है वो भी आपके दिमाग पर पट्टी पड़ जाएगी या मिट्टी पड़ जाएगी,
तो गीबल गैबल का मतलब होता है एक मूर्खतापूर्वक वार्तालाप जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका, वो 1-2 घंटा वेस्ट ही होगा और उल्टा आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्वक वार्तालाप। सो दीज आर द टूडेज idiom, लेट्स रिवाइज आवर लास्ट क्लास idiom बिकॉज रिविजन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। और जैसे आप लोग स्टूडेंट्स बार बार पूछते हो कि चीज़ों को लंबे टाइम तक याद कैसे रखें, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण है, एक ही फंडा है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। 40 विंग्स का मतलब होता है भाई झपकी, 5-10 मिनट के लिए कई बार हम सो नहीं जाते, थक जाते हैं। नेक्स्ट हमने किया था फ्रेंच लीव, इसका मतलब था बिना किसी सूचना के छुट्टी पर चले जाना या छुट्टी ले लेना। नेक्स्ट हमने किया था फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब यहाँ पर क्या था, मतलब अपनी एक जगह के, मतलब यहाँ पर एक तरीके से मुसीबत में पड़ जाना या फिर अनकंफर्टेबल प्लेस से बाहर हो जाना, ठीक है, क्योंकि मछली के लिए तो पानी ही कंफर्टेबल सिचुएशन है ना। नेक्स्ट हमने किया था यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा कहाँ गया, यस फैंसी प्राइस मतलब मुंह मांगी कीमत, मतलब आपको कोई चीज़ पसंद आ गई 1 करोड़ के, लेकिन आप उसको 5 करोड़ देने को भी तैयार हो, मतलब किसी भी कीमत पर, मुंह मांगी कीमत। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब था यहाँ पर, मतलब निष्पक्ष होना, मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे जिसकी तरफ भी आप बोलोगे वो बिना किसी फेवरेटिज्म के होगा, बिना किसी भाई भतीजावाद के होगा। नेक्स्ट हमने किया था यहाँ पर एस्केप वंस लिप्स, मतलब बोल जाना है ना, आप बिल्कुल कोशिश करते हुए आपको नहीं बोलना लेकिन अनइंटेंशनली अनजाने में आपके मुंह से कुछ निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट वॉज एंड इन स्मोक, मतलब कोई परिणाम ना निकलना, भाई आपने कमाया और आपने ऐसे ही धुएं में उड़ा दिया उसको 30-40 हज़ार रुपये को, मंथली इनकम को, तो क्या कोई परिणाम नहीं निकला उससे, है ना। इससे अच्छा आप उसको इन्वेस्ट करते, सेव करते। ईट वंस वर्ड का मतलब यहाँ पर होता है अपने शब्द वापस लेना, मतलब आपने किसी के बारे में कुछ बोला था लेकिन उस बंदे ने आपको समझाया, आपको अपनी गलती रियलाइजेशन हुई और आपने अपने शब्दों को वापस ले लिया, मतलब आपने उस पर्सन से एक तरीके से माफ़ी मांग ली। नेक्स्ट वॉज ईट हम्बल पाए, मतलब शर्मिंदगी झेल जाना, भाई किसी ने आपकी मतलब बेइज्जती की और आप कुछ नहीं बोले, आप उसको बस चुपचाप सहन कर गए। कई बार ऑफिस के अंदर होता है ऐसा, बॉस वगैरह कर देते और एम्प्लॉई बेचारा उसको जॉब की जरूरत होती है तो वो कुछ नहीं बोलता। डक इन अ थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है एक विषम पूर्वक, और यू कैन से एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, एक दर्दनाक परिस्थिति में होना। अभी बत्तख जो है अगर वो एक तूफान में होगी तो वो क्या होगी, वो परेशानी होगी ना, वो इंजॉय थोड़ी ना कर रही होगी, नाच थोड़ी ना रही होगी। तो हमने रिविजन भी कर लिया, आज के idioms भी कर लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और क्या आप लोग मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड यू आर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGIS NET एग्जामिनेशन, देन यू कैन विजिट माई चैनल। द चैनल नेम इज पूजा धुरान। सो आप लोग जब YouTube पर सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड माई चैनल, तो आप लोग वहाँ पर मेरे साथ कॉमर्स की स्टडी कर सकते हैं। एंड आप लोग को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप चैनल पर आ सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग को मैं कॉमर्स की तैयारी करवाती हूँ NTA UGIS NET एग्जाम के लिए। अगर आप HRM के लिए, HRM में लेबर लॉस के हैं तो भी, एंड अगर आप चाहे 11th 12th में BCom MCom में, तो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट वहाँ पर लेक्चर्स आते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आप लोग को इन क्लासेस से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक भी टीचर को बहुत मोटिवेट करता है उसका नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।